और फॉर में डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग कि सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। तो सिंस का मतलब किसे होता है, फॉर का मतलब किसे होता है। सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो हमको समयावधि दी हुई होगी उसके आधार पर हम सिंस का यूज करेंगे। वैसे फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपको निश्चित समय दिया हुआ होगा, जब समय निश्चित दिया हुआ होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। जब समय अनिश्चित होता है यानी समय का पॉइंट दिया हुआ होता है सोमवार से मंगलवार से, यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क ब्लैंक मॉर्निंग, यानी वह सुबह से अपना कार्य कर रहा है। फॉर के लिए दिया हुआ है कि ही हैज बीन टीचिंग ब्लैंक फॉर इयर्स, तो यहाँ पर निश्चित समय अवधि दी है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर हमको पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि कब से कर रहा है तब हम सिंस का यूज करेंगे। तो दो प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, अब यहाँ पर आ जाएगा सिंस, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं दिया है, समय अनिश्चित है, मॉर्निंग से सुबह से कर रहा है। फॉर एनबी से होगा पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज बीन टीचिंग, वह पढ़ा रहा है लेकिन समय निश्चित है, चार साल से पढ़ा रहा है वो, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर। सिंस का मतलब होता है से, जिसका उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर का मतलब होता है से, उसका भी उपयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। यानी सिंस यानी होगा से, सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, फॉर यानी होगा से।